बोला। अब आप देखेंगे ये हॉट ग्लू गन कैसे यूज करते हैं करता है। ये हॉट ग्लू गन, इसके अंदर जो ये होल है, इस होल के अंदर हमारा ये ग्लू स्टिक देना होता है। ये जब थोड़ा सा इस होल के अंदर ज़्यादा गया जाएगा और मैं इस हॉट ग्लू गन के इस स्टिक को इसके अंदर घुसा दूंगा। बोलना चला चला ना खेल जो हमारा ये सामने का चीज है, और इसको इसका गर्म होने के बाद इसे सामने के जगह को, इस सामने के पॉइंट को आपको हाथ देना नहीं होता है, इस सामने के पॉइंट को। और अगर आपको हॉट ग्लू गन के साथ ऐसा ये कोई स्टैंड मिलता है ऐसा कोई, तो आपको इस स्टैंड को ऐसे यहाँ पे लगाना होता है, ऐसे यहाँ पे खाली पेट को खाचे यहाँ पे लगाना होता है। और आपको अगर इस तरह के ऑन ऑफ के स्विच वाला अगर लेंगे आप, तो आपका बहुत अच्छा होगा। और अब मैं इस हॉट ग्लू गन को प्लग इन कर देता हूँ। ये जो आपका ये स्विच है, स्विच पे आपका ये इंडिकेटर लाइट वाला आपको ये लेना होगा। और ये मेरा ग्लू गन 40 वाट का है। अब मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, 5-6 मिनट बाद ये गर्म हो जाएगा। और जो हमारा ये ग्लू स्टिक है, हम इस ग्लू स्टिक को पहले ही घुसा देंगे। और आपको अगर कोई नाक की प्रॉब्लम, अगर आपके घर में हॉट ग्लू गन है, तो आप जरूर ऐसा एक मास्क लेके अपने मुंह में पेन ले लीजिए। इसके अंदर से जो ग्लू है, उस ग्लू को गलने से हमारे नाक में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको ये जो है हमारा एक कोका कोला का कैन लेके हमने इसे छोटा करके काट लिया है। आप भी ऐसा कीजिए और ग्लू गन का आटा इस ग्लू जमा के रखने के लिए। तो अब मैं आपको एक प्लास्टिक लगा के दिखाता हूँ। देखिए आप जब हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे, तो फैन या एसी ऑन मत कर रखना। इससे जो होता है कि इसका ये जो ग्लू है बहुत गर्म होता है, और आपका ग्लू बहुत जल्दी सूख जाता है। और अगर इस ग्लू अगर आपके हाथ में या पैर में कहीं भी लग जाए आपके बॉडी में, तो जल्दी से उसको जल्दी से उस जगह को वॉश कर लीजिएगा पानी से। तो हमारा लगता है ये अभी सूख गया है। तो आपको यहाँ से जो ये बाकी चीज़ होगा उसको आपको ऐसे हाथ से निकाल देना होगा। और हाँ, अब मैं एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा यहाँ पे लगा कर दिखाऊंगा। देखिए ये जो हमारा कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, हम उस पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। हमने यहाँ पे ग्लू लगा दिया है, और ये जो हमारा ये टुकड़ा है कार्डबोर्ड का पीस, वहाँ पे हमने इसे ये लगा दिया। अब इसके सूखने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं भी सूख रहा है, यहाँ पे सब ग्लू बाहर निकल गया है। अब ये आपका ये सूख गया है, इस तरह से भी नहीं खुलेगा। देख लीजिए। और मैं इसको साइड में रख के आपको
एक कागज लगा के दिखाता हूँ। मैं कागज पे ऐसे ग्लू लगा दूंगा, ऐसे देखिए ग्लू लगा दिया और यहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया। अब ये सूखेगा, देख लीजिए अंदर, इसके अंदर ये ग्लू है, इसके अंदर अब आप देखेंगे ये सूख गया है। और मैं इसको छुड़ाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये जो आपका है ये देखिए क्या होता है, देखिए क्या हो गया, इसमें सब साले उठाई। अब मैं इसको रख के एक ये देखिए कपड़े का पीस, अब जब भी कपड़े को लगाएंगे तब कभी भी अपने अपने कपड़े को कपड़े के पीस को हाथ से मत ऐसे में हाथ से मत लगाना, प्रेस करना, ऐसे मैंने लगा दिया क्योंकि ये ग्लू बहुत हार्ड होता है, इसलिए आपके ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और उस सॉफ्ट कपड़े से आपको आपके हाथ में बाहर निक कपड़े के आर पार जाकर ये ग्लू आपके हाथ में लग सकता है। अगर आपके हाथ में ये ग्लू लग गया तो बार बार मैं कह रहा हूँ जल्दी से पानी के ऐसे कार्डबोर्ड के टुकड़े से ऐसे इसको लगा देना चाहिए। मैंने अभी ये लग गया है, देखिए अब मैं इसको कार्डबोर्ड पे लगा के दिखाऊंगा। ऐसे इसको पकड़ कर मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगा, ऐसे देखने की अब देखने की होली कर दोगी अगर तो हमने प्राइवेट टीम ना आई तो तो हम होली कर दो। ऐसे मैंने लगा लिया, ग्लू लगा लिया और इसे ऐसे लगा के मैं फिर से कार्डबोर्ड के टुकड़े को इस्तेमाल करूँगा। ऐसे मैंने इसको लगा दिया, देखिए अब ये जुड़ गया है बहुत अच्छी तरह से, देखिए। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी फैन या एसी ऑन मत रखना, फैन या एसी बंद करके करना, क्योंकि इसका जो ग्लू होता है ये गैस से गर्म होके निकलता है और गर्म होके फैन या एसी आपका चला के रखा तो आपका ये जो ग्लू है वो जो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो ये अभी लग गया है बहुत अच्छे से और आप ये जब ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे तो ये मास्क ज़रूर पहनना, मास्क पहनने से इसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं निकलेगा। और आपको ये तो मैंने कहा इतना एक कोका कोला का छोटा सा कैन लेके आप ये काट के लिए बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप जब इसको बंद करेंगे तब ऐसे बंद करके अगर इसके ये इस ऑप्शन पर अगर थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ तो ऐसे इसको साफ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।